हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं हूँ माही और स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स इन माही में। आज मैं आप लोगों के साथ लैक्मे के वाइटमिन सी सीरम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, ये है इसकी आउटर पैकेजिंग और ये है इसकी बॉटल जिसमें ये सीरम आता है। पैकिंग बहुत खूबसूरत है गाइस, लाइक एस्टी लॉडर की जो फेस सीरम की बॉटल आती है वैसी ही है, डॉट एन की भी ऐसी ही आती है, नाइट सीरम की। जो डॉट एन के का नाइट फेशियल सीरम आता है उसका रिव्यू मेरे चैनल पर है, उसकी पैकिंग भी सेम टू सेम ऐसी ही आती है एस्टी लॉडर की तरह, और इसकी भी ऐसी ही आई है एस्टी लॉडर की तरह। मुझे लगता है अब सारे सीरम ऐसी ही पैकिंग में आने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट टाइम में। बट चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका प्राइस है गाइस 599 रुपीज़, शेल्फ लाइफ इसकी है 2 ईयर्स, क्वान्टिटी इसकी है 30 ml। जी हाँ, और आउटर पैकेजिंग आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर की है, खूबसूरत है। लैक्मे 9 to 5 वाइटमिन सी प्लस फेशियल सीरम लिखा हुआ है इस पर। और जो लैक्मे 9 to 5 फेशियल सीरम है ये बहुत ही लाइट वेटेड है, इस पर लिखा हुआ है साफ साफ, और ये लिखा है इस पर कि ये वाइटामिन सी से भरा हुआ है क्योंकि इसमें काकड़ू प्लम का इस्तेमाल किया है, और ये हमारे रेडिकल फ्री रेडिकल से फाइट करने में हेल्प किया करता है और साथ में स्किन की हेल्थ को प्रमोट करता है। कैसे ये सब नहीं लिखा, स्किन में ग्लो देगा, चमक देगा, ब्राइटनेस देगा, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करेगा, पिंपल्स को दूर करेगा, ऐसा कोई भी क्लेम यहाँ पर कहीं भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये लोग क्लेम नहीं करते हैं, बड़ा अच्छा रहता है। लैक्मे के मैंने पहले भी 2 सीरम और यूज़ किए हैं, एक वाइटनिंग सीरम और एक स्किन ग्लॉस सीरम, दोनों ही बहुत अच्छे थे, कमाल के थे। दोनों का रिव्यू मेरे चैनल पर है। मेरे चैनल पर एक्चुअली आपको बहुत सारे फेशियल सीरम के रिव्यू मिलेंगे, अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। बात करूँ इस सीरम की तो 599 रुपीज़ इसका प्राइस है, लेकिन इसके ऊपर आपको डिस्काउंट भी मिलता है। मैं आपको लिंक दे दूँगी अमेज़ॉन का, आप चेक कर लीजिएगा, एंड क्वांटिटी काफ़ी अच्छी मिलती है आपको। पैकिंग की बात करूँ तो ये ग्लास बॉटल है तो टूटने फूटने का खतरा ऑब्वियसली है, तो ट्रैवल फ्रेंडली तो नहीं है। और सीरम की बात करूँ तो ये देखिए ड्रॉपर के साथ आता है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, जो प्राइस है, एक्सपायर डेट है इसका, क्वांटिटी है, वो सब यहाँ बैक बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप आउटर पैकेजिंग फेक भी देते हैं तो कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं है, इसके ऊपर लिखा है तो आप उस हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए वाइट कलर का ऐसे सीरम है, ये ड्रॉपर में आता है, थोड़ा सा थिक है देखने के लिए, लेकिन जब आप इसको फेस पर लगाते हैं तो वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है। अच्छा, ये सीरम का टेक्सचर जो है लाइट है, लेकिन जो देखने में लग रहा है ना, जो मैंने गार्नियर वाइटमिन सी फेशियल सीरम का रिव्यू किया था मेरे चैनल पर है, देखिएगा आप वो भी, और देखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा है वाइट कलर में। ये देखिए, एक मिनट में निकाल के दिखा देती हूँ, तो वे बिल्कुल वैसा ही है देखने में, वो वाइट कलर का। ओके, और जब आप इसको अप्लाई करते हो तो उस टाइम भी, मतलब अप्लाई करते वक्त भी कुछ कुछ फीलिंग वैसी ही आती है, बट वो जो गार्नियर का था उसमें हल्का सा चिपचिपापन था, इसमें चिपचिपापन नहीं है। लगाओ तो ये थोड़ी देर बाद चेहरे से गायब हो जाता है, लेकिन चेहरे पर इसकी चमक दिखाई देती है। अब जैसे ये है, आपने देखा, ये देखिए मैं अप्लाई कर रही हूँ इसको, अच्छे से इसको साच कर रही हूँ, अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि हाँ, मतलब कुछ अप्लाई किया है, तो एक जो चमक है वो दिखती है, लेकिन फील नहीं होती कि आपने, मतलब कुछ स्टिकी या चिपचिपापन ऐसा कुछ फील नहीं होता है, फील भी लाइट ही होता है आपको कि हाँ सीरम लगाया है तो लाइट वेटेड ही है, तो गायब भी हो गया, ये देखिए ठीक है, नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ चमक आपको ज़रूर दिखाई देगी जब आप इसको लगा लेंगे तो, ग्लो आपके चेहरे पर दिखाई ज़रूर देगा। अब बात करूँ डार्क स्पॉट्स की, तो डार्क स्पॉट्स के ऊपर तो इसने काम नहीं किया है, मेरे चेहरे पर डार्क स्पॉट्स हैं, ये देखिए पिंपल्स के कुछ मार्क्स हैं, DIYs लगा रही हूँ मैं, उससे फेड हो रहे हैं, लेकिन ये वाइटमिन सी ने कुछ फ़र्क नहीं किया। बट येस, अगर आप अपनी रूटीन में कोई अच्छे ब्रांड का कुछ अच्छा, कोई आप अफोर्डेबल वाइटमिन सी आप इंक्लूड करना चाहते हैं, अपने स्किन केयर में शामिल करना चाहते हैं, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अफोर्डेबल होने के साथ साथ क्वांटिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है आपको, शेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी मिल रही है, पैकिंग काफ़ी अच्छी मिल रही है, एंड इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, लाइट वेटेड है, ऑल स्किन टाइप है, तो सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइटमिन सी अगर आप फेशियल सीरम परचेज करना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। सीरम अप्लाई करने के बाद मॉइस्चराइज़र आपको ज़रूर लगाना है, भूलना नहीं है,
एंड यस, मैं इसको रेकमेंड करती हूँ। ग्लो देता है फेस पर एंड चमक आती है, ब्राइटनेस आती है। जो आपको एक फेशियल सीरम चाहिए अपने रूटीन में शामिल करने के लिए, विटामिन सी फेशियल सीरम चाहिए, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बट यस, मेरे डार्क स्पॉट्स के ऊपर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इससे। तो मैं डार्क स्पॉट्स अगर आपके चेहरे पर हैं तो उसके लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। उसके लिए अगर आप विटामिन सी सीरम चाहते हैं तो आप डॉट एंड की का विटामिन सी सीरम ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वो डार्क स्पॉट्स को भी दूर करता है, पिंपल्स को भी दूर करता है, चेहरे पर चमक भी आती है, लेकिन वो थोड़ा इससे महंगा है। बट वो सीरम आप पक्का ट्राई कर सकते हैं डार्क स्पॉट्स को दूर करने के लिए। लेकिन अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे नहीं हैं, सिर्फ आपको ग्लो चाहिए, ब्राइटनेस चाहिए, स्किन जो है आपकी टेक्सचर इंप्रूव करना चाहते हैं, थोड़ी सी चमक चाहते हैं, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। एंड मैं रिपर्चेज करूँगी तब, जब मेरे चेहरे पर दाग धब्बे नहीं रहेंगे। यस, यही बात है, और बाकी सब ठीक है इसका। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।